इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है, जहां भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी बाबू रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी के केडीए के संपत्ति विभाग के बाबू नीरज मल्होत्रा को कानपुर विजिलेंस की टीम ने मुख्यालय से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबू नीरज मल्होत्रा को कार्यालय से घसीटते हुए ले जाया गया। बता दें कि ये बाबू बर्रा विश्व बैंक योजना संपत्ति विभाग में कार्यरत हैं। विजिलेंस गाड़ी। मंगलवार शाम करीब 4 बजे केडीए में विजिलेंस की टीम पहुंची। टीम में करीब 12 लोग शामिल थे। 5 मिनट के अंदर ही विजिलेंस की टीम रिश्वत लेते हुए बाबू को रंगे हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। वहीं इस कार्यवाही से केडीए कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। वसंत बिहार निवासी सरकारी वकील दीपेंद्र कुमार शुक्ला ने शिकायत की थी कि केडीए कर्मचारी नीरज मल्होत्रा उनसे AWS कॉलोनी की रजिस्ट्री कराने के मामले में घूस मांग रहे थे। इस एवज में वह काफी समय से उन्हें टरका रहे थे। वहीं मंगलवार दोपहर पीड़ित दीपेंद्र कुमार शुक्ला केडीए कर्मचारी नीरज मल्होत्रा के पास पहुंचे, जहां नीरज द्वारा रुपए मांगने पर दीपेंद्र ने उन्हें 10,000 रुपए थमा दिए। इस दौरान वहां पहले से मौजूद विजिलेंस की टीम ने नीरज मल्होत्रा को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद विजिलेंस टीम उसे सीट से उठाकर खींचते हुए अपने साथ ले गई। विजिलेंस कौन से भाग से है सर ये? Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.